Hello everyone, welcome to our channel Intensive Study. Today we are going to learn past perfect continuous tense. आज हम past perfect continuous tense सीखेंगे. देखिए past यानी भूतकाल, perfect यानी जो थोड़ा तो पूरा हो चुका है, continuous यानी थोड़ा सा जारी है, और tense यानी काल. अब देखिए जैसे कि इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट के साथ फॉर या सिंस लगाएंगे और टाइम लिखेंगे. बहुत सिंपल है ये रूल, मैं आपको भले ही मुश्किल लग रहा हो. अब सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है? सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ. जैसे कि अगर आप कह रहे हैं सेकेंड ऑफ में कोई भी निश्चित तारीख बता रहे हैं या निश्चित किसी फेस्टिवल का नाम ले रहे हैं जैसे दिवाली, तो इन सबसे पहले सिंस आता है. सिंस सेकेंड ऑफ में, सिंस दिवाली, सिंस चाइल्डहुड, सिंस माय एडोलेसेंस, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे. फॉर कहाँ लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के समय, यानी फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से, जिसमें आप एक अवधि बता रहे हो, एक पीरियड बता रहे हो, कोई निश्चित समय ना बता रहे हो. फॉर मैनी डेज, फॉर फोर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर डेज, फॉर लास्ट थ्री डेज, इन सबसे पहले फॉर लगता है. लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो सिंस लगता है. जैसे कि वह 5 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो वह यानी शी, वो एक गर्ल है, सो हम लिखेंगे शी. शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock. सिंस 5 o'clock. जब भी हम टाइम बताते हैं, निश्चित पॉइंट बताते हैं, यानी जैसे 5 बजे से 5:30 बजे से, तो यहाँ इससे पहले सिंस लगता है. सिंस 5:30 AM, सिंस 6 o'clock, सिंस 6:15, इस तरीके से. बच्चे कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. बच्चे यानी चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस या फॉर एग्ज़ाम्स कई महीनों से. फॉर सेवरल डेज. माली पौधों में शाम से पानी नहीं दे रहा था. द गार्डनर हैड नॉट बीन. जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे. हैड नॉट बीन, द गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स. पानी देने को वाटरिंग बोलते हैं. वाटरिंग द प्लांट्स सिंस इवनिंग, शाम से. सिंस इवनिंग ये एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले सिंस लगाया जाएगा. सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून. वह काफ़ी दिनों से बहाने बना रही थी. She had been making excuses. कब से बना रही थी? कई दिनों से. तो यहाँ पर आएगा for several days. क्या वह 2 घंटों से स्किपिंग कर रही थी? मैंने हमेशा बताया है कि जब हम येस और नो वाला क्वेश्चन बनाते हैं जिसका आंसर येस और नो में आ सकता है, तो इसके हम हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाके हाँ या ना वाला येस और नो क्वेश्चन बनाते हैं. हैड शी बीन स्किपिंग फॉर टू आवर्स, HOURS, आवर्स. क्या वो 2 घंटे से स्किपिंग कर रही थी, या वो 2 घंटे से कहाँ स्किपिंग कर रही थी? वेयर हैड शी बीन, तो हम आगे एक वेयर लगा देंगे. वेयर हैड शी बीन स्किपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कहाँ पर स्किपिंग कर रही थी? जिसका आंसर हो सकता है शी हैड बीन स्किपिंग ऑन हर टेरेस फॉर 2 आवर्स. अपने टेरेस पे, अपने छत पे 2 घंटे से स्किपिंग कर रही थी. आज का हमारा वर्ड है अबेंडन. अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना. जैसे कि शी हैज़ अबेंडन्ड ड्रिंकिंग की जो हैबिट है उसकी, उसने उसको त्याग दिया है. या ही हैज़ अबेंडन्ड हर बेसिक नीड्स, उसने अपनी बेसिक नीड्स को त्याग दिया है. यानी जैसे रोटी कपड़ा मकान किसी की बेसिक नीड्स होती हैं, तो अगर उस व्यक्ति ने उसको त्याग दिया है तो उसने क्या एक तरीके से सेलिबेसी को प्राप्त कर लिया, यानी ब्रह्मचर्य को अपना लिया है. तो आज का हमारा वर्ड है अबेंडन. अबेंडन मतलब होता है त्याग देना. तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.